नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड़ा आप सभी को आगामी आईटी डिपार्टमेंट की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंडर हम जो है केंद्रीय विद्यालय DSSSB और NVS के लिए कंप्यूटर शिक्षक की जो भर्ती जारी हो रही है, साथ ही सूचना सहायक और प्रोग्रामर भर्ती के लिए जो है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज को डेली बेसिस पर आपको पढ़ा रहे, जिसमें शाम 8 बजे आप जुड़कर डेली बेसिस पर इन प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। डेली बेसिस की इवेंट पर आधारित अच्छे प्रश्न है, तो इनको आप जरूर ज्वाइन कीजिए डेली। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। 1 जुलाई 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के वीडियो को पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए। वीडियो के अंत में आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? हाल ही में किसने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सतीश चंद्र ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में गोल कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किसने किया है? तो हाल ही में नई दिल्ली के गोल कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ जो है अर्जुन मुंडा के द्वारा करवाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहां पर जो है हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है? हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहां पर हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा नागालैंड के अंदर किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नकद संग्रह को डिजिटाइज करने के लिए एक्सिस बैंक ने किस पेमेंट के साथ जो है साझेदारी की है? तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में नकद संग्रह को डिजिटाइज करने के लिए एक्सिस बैंक ने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ जो है साझेदारी की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी लॉन्च किया है? तो हाल ही में ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी जो है वो आपके अश्विनी वैष्णव के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। हाल ही में ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी जो है अश्विनी वैष्णव के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सापूरजी अलोंजी ग्रुप के किस अध्यक्ष का हाल ही में निधन हुआ है? हाल ही में सापूरजी अलोंजी ग्रुप के किस अध्यक्ष का हाल ही में निधन हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पालोनजी मिस्त्री का। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय एस्टेरॉयड दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतरराष्ट्रीय एस्टेरॉयड जो दिवस है वो आपके 30 जून को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 30 जून को। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने कहां पर हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एयरटेल टारगेट अभ्यास का सफल परीक्षण किया है? तो हाल ही में भारत ने जो है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट जो है अभ्यास, जिसका नाम है, तो उसका सफल परीक्षण आपके उड़ीसा में किया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके लिए है, हाल ही में फर्डिनेंस मार्कोस जूनियर किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो हाल ही में फर्डिनेंस मार्कोस जूनियर जो है वो आपके फिलीपींस के जो है नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने PSLV C-53 में रॉकेट का प्रक्षेपण कहां पर किया गया है? तो हाल ही में इसरो ने PSLV C-53 रॉकेट का जो प्रक्षेपण है वो आपके आंध्र प्रदेश के अंदर किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने न्यूजीलैंड से कैप स्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो हाल ही में न्यूजीलैंड से कैप स्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा नासा के द्वारा। तो साथ ही ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, एक बार हम इसका फर्स्ट रिवाइज करते हैं, उसके बाद आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? सतीश चंद्र। दिल्ली में गोल कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किसने किया है? तो गोल कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ जो है दिल्ली में अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहां पर जो है हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है? तो नागालैंड के अंदर। हाल ही में नकद संग्रह को डिजिटाइज करने के लिए एक्सिस बैंक ने किस पेमेंट बैंक के साथ जो है साझेदारी किया है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ। हाल ही में किसने ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी लॉन्च किया है? तो डाक कर्मयोगी ई लर्निंग जो पोर्टल है वो आपके अश्विनी वैष्णव के द्वारा लॉन्च किया गया है। सापूरजी अलोंजी ग्रुप के किस अध्यक्ष का हाल ही में निधन हुआ है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पल्लोनजी मिस्त्री के द्वारा। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय एस्टेरॉयड दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतरराष्ट्रीय एस्टेरॉयड जो दिवस है वो आपके 30 जून को मनाए गए हैं। हाल ही में भारत ने कहां पर हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफल परीक्षण किया है? ओडिशा में। हाल ही में फाइनेंस मार्कोस जूनियर किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो फिलीपींस के। हाल ही में इसरो ने PSLV C-53 रॉकेट का प्रक्षेपण कहां पर किया है? तो उसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश में। हाल ही में किसने न्यूजीलैंड से कैप स्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो नासा के द्वारा। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं, अब आपके लिए कुछ 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनके आंसर मिसिंग रहेंगे, आंसर आपको देना है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहां पर हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है?
हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहां पर जो है हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है? आपके पास 10 सेकंड का समय है, फटाफट आंसर दीजिए। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने जो है कहां पर हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहां पर हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा नागालैंड के अंदर। केंद्रीय कृषि मंत्री ने हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन कहां पर किया है? तो नागालैंड के अंदर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी लॉन्च किया है? हाल ही में किसने ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी लॉन्च किया है? फटाफट आंसर बताइए। ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस प्रश्न का आपका उत्तर होगा अश्विनी वैष्णव के द्वारा हाल ही में ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय एस्टेरॉयड दिवस कब मनाया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय एस्टेरॉयड जो दिवस है कब मनाया गया है? फटाफट बताइए आंसर। तो देखिए, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय एस्टेरॉयड जो दिवस है वो 30 जून को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फर्डिनेंस मार्कोस जूनियर किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इसके बाद एक और प्रश्न रहेगा, फटाफट आंसर लिखिए इसका। हाल ही में फर्डिनेंस मार्कोस जूनियर किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके फिलीपींस में। और लास्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने न्यूजीलैंड को कैप स्टोन अंतरिक्ष यान पर चंद्रमा पर जो है सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? आंसर आपके सामने, सॉरी आंसर लिखिए जल्दी से। तो देखिए, हाल ही में किसने न्यूजीलैंड से कैप स्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर लॉन्च किया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा नासा के द्वारा। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आप सभी जो है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार चैनल को सपोर्ट करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, और आने वाली सभी आईटी विभाग की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।